उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से बड़ी खबर, राफेल डील, अवैध खनन, खराब सड़कों, अन्य जानवरों पर पाबंदी, अकुशल चालकों द्वारा वाहनों को चलाने, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, सरकारी योजनाओं के गड़बड़ झाले को लेकर जिलाध्यक्ष पंकज मिश्र की अगुवाई में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। राफेल घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कराई जाए। विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी चित्रकूट को सौंपा गया। पूरी खबर दिखा रहे हैं फोटो और वीडियो के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। जी, कुछ दिन पूर्व आपने बेड़ी पुलिया में भी प्रदर्शन किया था और उसमें जो गड्ढे हैं उसकी मांग की थी, उसमें क्या आश्वासन दिया गया था? नहीं, उसमें काम शुरू है। ठेकेदार को जब लाया गया था, हम लोगों ने कहा था कि अगर आपने काम सड़क पर शुरू नहीं कराया तो हम लोग आनन-फानन पर बैठ जाएंगे। जी, तो फिर आनन-फानन में शासन प्रशासन ने उस सड़क का निर्माण तो ठेकेदार ने को बुलाकर शुरू करा दिया है। जी, परंतु वो सड़क भी कभी बनती है कभी रुक जाती है, परंतु प्रशासन ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है जी कि सड़क का काम बंद नहीं होगा और उससे सड़क का काम पूरा कराएंगे। जी, सड़क के दूसरे हिस्से में पानी भर गया था और परेशानी थी। उधर भी उन्होंने मिट्टी मुरम डलवाने की बात की थी। अब उन्होंने मिट्टी मुरम डलवाया पर पुनः पानी भर गया। उनसे फिर कहा गया है कि अमावस्या आनी है, इसलिए इसको सड़क को फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क को भरवा दीजिए उसके गड्ढे, ताकि लोगों को निकलने में परेशानी नहीं हो। और सड़क का निर्माण कराने के लिए प्रशासन ने कहा कि इसे शीघ्र पूरा कराएं। जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जो प्रदर्शन किया है आपने, धरना प्रदर्शन, तो किन किन मुद्दों पर किया है? और हमारा विरोध प्रदर्शन जी केंद्र सरकार द्वारा राफेल विमानों की जो डील हुई है उसमें जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उस घोटाले को उजागर किया है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और कांग्रेस पूरी पार्टी आंदोलनों के माध्यम से देश के सामने राफेल डील घोटाले को रखना चाहती है। एक तो जो हमारा मुद्दा था वो राफेल डील की JPC जाँच को लेकर था, और दूसरा जिले में जो खुलेआम दिन रात अवैध खनन चल रहा है वो प्रशासन आँख मूंदे बैठा है, सुप्रीम कोर्ट और NGT की उन्हें परवाह नहीं है। जिले में खराब सड़कें हैं, चाहे बेड़ी पुलिया से चित्रकूट की हो, चाहे राजापुर से लालता रोड होते हुए मऊ की हो, चाहे भौरी से पहाड़ी की हो, तमाम सड़कें जिले की गांव में और बुरे हालात हैं उन सड़कों को लेकर, और यातायात तमाम जगहों में साधन नहीं चल रहे, जैसे रोडवेज बसों की सेवा नहीं है, राजापुर से मऊ नहीं जाती, अन्य क्षेत्रों में भी नहीं जाती हो, जहाँ जाती भी हमारे रेगुलर नहीं। इन तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, यहाँ चिकित्सकों की कमी है, जिला अस्पताल में तुरंत रेफर बना दिया जाता है, और जो जिले में यातायात चल रहा है, अवैध खनन करते हुए ट्रक जो बालू ढो रहे हैं, गिट्टी ढो रहे हैं, मोरम ढो रहे हैं, उनमें अकुशल चालक चल रहे हैं, 16-17 साल के लड़के गाड़ी चला रहे हैं, दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं और प्रशासन चुपचाप आँख मूंदे बैठा है। पूरा जिला अन्ना प्रथा से त्रस्त है, रोज दर्जनों गायें सड़क पर मरी पड़ी रहती हैं। उसके अलावा चूंकि अन्ना प्रथा सड़क पर रहता है जानवर, तो उससे रोज आए दिन घटनाएं घट रही हैं। कई हमारे जिले के नौजवान काल कवलित हो गए, समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है और प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र इन मुद्दों पर और इन समस्याओं पर अपना रुख करे और इनको हल कराए, नहीं तो कांग्रेस इसके बाद उग्र प्रदर्शन करेगी। कुछ दिन पूर्व आपने वहाँ